Good morning, students. Myself Kashish Mehta Pradhan. Today we'll read new chapter. Chapter name is पेड़ की बात. तो देखो हम आज एक न्यू चैप्टर जो पढ़ रहे हैं पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं. पेड़ के डिटेल मतलब उनके, जैसे कि हमारे लिए तो पेड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए. नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने सारे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब सबके लिए पेड़ इम्पोर्टेंट है. हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए तो बहुत सारे थिंग्स ऐसे देते हैं ना प्लांट, तो इसीलिए हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि प्लांट नहीं होगा तो हमारे जीवन भी इम्पॉसिबल. नहीं, तो दिखते हैं आज उनके बारे में दिखेंगे. जैसे कि ये दिया गया है, उनके लेखक है जगदीश चंद्र बसु. आगे से भी उनके लेखक के बारे में वो दिखे होंगे, वो नेचर के बारे में स्पेशली बहुत सारे ऐसे लिखे हैं. तो इसमें से लेखक कौन है कि जगदीश चंद्र बसु. तो देखो इस लेख में पेड़ पौधे को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है कि वे किस प्रकार सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, साथ ही पेड़ भी अपने संतान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं क्योंकि अब वह वृद्ध हो गए हैं. तो देखो इसमें से ये जो विषय में जो जगदीश चंद्र बसु ने जो इसमें लिखे हैं, उन्होंने जो प्लांट को क्या लिए हैं कि इंसान के जैसे, उनको इंसान के जैसे सोचे हैं. क्योंकि प्लांट भी तो हमारे लिए लिविंग थिंग्स होते हैं ना, तो वो भी लिविंग होते हैं ना हमारे जैसे. वो सांस लेते हैं, वो भी तो खाना प्रिपेयर करते हैं, नहीं कि सब कुछ तो करते हैं. तो ये इंसान मतलब ये लिविंग थिंग्स में गया कि नहीं गया. तो जैसे कि इधर से दिया गया है, वो भोजन करते हैं, सांस लेते हैं. तो इसमें से देखो क्या है कि उनके संतान के लिए, उनके बच्चे के लिए वो भी खुद के न्योछावर का मतलब खुद के जान देता है वो, है कि नहीं. तो अभी स्टार्ट करते हैं. क्या मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया. सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा. अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर में कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठो उठो जाओ, सूरज की रोशनी दिखो. देखो क्या होते हैं कि हम एक बीज को मिट्टी में लगा देते हैं, तो वो क्या होती है कि महीने दर महीने इसी तरह से प्लांट मतलब ऐसे हो के मतलब तो ग्रो होती है ना. तो वो क्या करती है कि सर्दियों के बाद बसंत आ गया, तो बसंत के बाद वर्षा शुरुआत हो जाती है. जब वर्षा शुरुआत होती है, दो एक दिन के बाद वर्षा गिरने के बाद, हमारे मिट्टी के ऊपर पड़ने के बाद, वो क्या हो जाती है कि उनके नीचे में जो बीज छिपे रहते हैं उनको जैसे कौन पुकार रहा है, मतलब शिशु को जैसे पुकार रहे हैं. मतलब शिशु का मतलब क्या है कि वो जो बीजों को, जो प्लांट उसमें से जो निकलती है उनके लिए बोला गया है, लेकिन बोले है ना इधर मनुष्य समझ रहे हैं वहां पे ना पेड़ को. तो इसीलिए जैसे कि क्या है कि उन्होंने बोल रहे हैं कि और मत सो, जल्दी उठो और सूरज को दिखो, सूरज के रोशनी को दिखो, जैसे उनको कोई पुकार रहा है. देन उस टाइम में वो क्या करते हैं कि देख कुछ दिनों के बाद दिखोगे उनमें से दो ऐसे पत्ते निकल आएगा. पत्ते निकलने के बाद वो दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा. क्या तुमने अंकुर को उठते हुए दिखे हो कभी? जब अंकुर उठता है कभी दिखे हो उनको? हाँ, तो उसमें से एक पत्ते वाला निकलता है, नहीं तो दो पत्ते होके कुछ भी प्लांट होती है निकलते हैं, है कि नहीं. देन तो जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को दिख रहा है. जब उठते हैं वो बहुत अच्छा दिखता है उस टाइम में. नहीं, जैसे कि पहले क्या होती है कि देखो ऐसे जैसे पहले एक बीज है मिट्टी के भीतर में, ऐसे पानी गिरा, वो क्या किए कि जैसे दुनिया को पूरा अच्छे से जैसे उनके आंखों में वो दिख रहे हैं दुनिया को, है कि नहीं. तो ऐसे लग रहा है. तो गाछ को अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं. तो जब क्या होती है जो अंकुर जब निकलती है मिट्टी के भीतर में, जब वो क्या करती है कि रहता है जो, उनका नाम हम उसको क्या कहते हैं कि जड़ कहते हैं. जब ऊपर जो उठता है मिट्टी के ऊपर में जो अंश रहता है,
उनको हम कह सकते हैं क्या, उसको कहते हैं हम तना, ठीक है नहीं। जड़ और तना के बारे में पता चल गया, मिट्टी के नीचे जो रहेगा जड़, मिट्टी के ऊपर में जो आएगा उनको बोलेंगे तना। तो सभी गाछ बिरछ में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे, जितने सारे भी प्लांट देखो, ठीक है ना, जितने सारे भी प्लांट देखो उसमें से क्या होगा कि जरूर तना होगा, उसमें से जड़ भी होगा, ठीक है नहीं। देन तो यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ बिरछ को जिस तरह भी रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की तरह ही उठेगी, ठीक है नहीं। अब जैसे भी रखो बीज को, जैसे भी रखो, लेकिन उनके जो जड़ होगा वो मिट्टी के नीचे ही जाएगा और जो तना है वो अलवेज मिट्टी के ऊपर ही आएगा, ठीक है नहीं। तो ये उनके था हमारे पेड़ के बारे में। तो देखो और भी कुछ दिया गया, एक गमले में पौधा था, परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को पौधों लटकाए रखा, पौधे का सर नीचे की तरफ लटका रहा है और जड़ ऊपर की ओर रही है। तो वो क्या है कि परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ रखा गया है, जैसे अंधेरे में रखेंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, ठीक है नहीं। तो सनलाइट उनको जरूर चाहिए, ठीक है नहीं, ऊपर उठने के लिए और ग्रो होने के लिए प्लांट। हाँ, देन दो एक दिन के बाद क्या दिखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसके पत्तियों और डालियों टेढ़ी होकर ऊपर की तरह उठ आई तथा जड़ घुमाकर नीचे की ओर लटक गए। तुमने कई बार सर्दियों में मूले काट कर बोए होंगे, देन दिखा होगा पहले पत्तों और फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिनों बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आएंगे। तो ये था हमारे प्लांट के बारे में, क्योंकि ऐसे ही पेड़ होती है, ठीक है नहीं। तो उनको जैसे पता चलता है, उनकी डिफरेंस जैसे पता होती है सबके बारे में, ठीक है नहीं। जब सनलाइट हो रही है ऐसे हो रही है, जब सनलाइट नहीं हो रही है तो ऐसे ही हो रही है वो ऐसे, ठीक है नहीं। तो उनको जैसे डिफरेंस ही पता चलता है। तो इन इंसान भी क्या होती है कि इंसानों भी तो ऐसे डिफरेंस पता होता है ना उनको भी, तो ये हमारे इसीलिए उन्होंने इंसानों की तरह ही माने हैं उनको, ठीक है नहीं। हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं केवल दूध पी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है कि हम जैसे भोजन करते हैं, जो गाछ बिरछ भी क्या करते हैं, हमारे तरह भोजन करते हैं, नहीं। छोटे बच्चे क्या होते हैं कि छोटे बच्चे तो मतलब दांत नहीं होते हैं इसीलिए वो क्या करते हैं, ओनली दूध पीते हैं। तो गाछ बिरछ की भांति दांत नहीं होते हैं इसीलिए केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए वो वाटर लेते हैं देन और वायु मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाने में, इसीलिए बोला गया है छोटे बच्चे के जैसे वो है ना, क्योंकि उनके भी तो दांत नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए छोटे बच्चे की तरह वो भी तरल थिंग्स लिक्विड थिंग्स वाला वो मतलब खा सकते हैं। हाँ, गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी के रस पान करते हैं, चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। उसी तरह ही है पुराने हमारे गाछ बिरछ, वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं और जोड़ों के पानी से मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाती है, ठीक है नहीं। तो उसमें से यदि नहीं जाएगा तो क्या होगा कि वो मर जाता है, ठीक है नहीं। तो हम नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे, ठीक है नहीं। तो और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगा उसमें से, तो हम उसको क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में दिखते हैं, ठीक है नहीं।